अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए नगर निगम अजमेर द्वारा इस वर्ष भी सम्राट अशोक की सवारी का आयोजन किया गया, जिसमें सम्राट अशोक अपने दरबारियों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में आमजन के बीच में निकले, पूरे जोश उत्साह और उमंग के साथ, उल्लास के साथ नाचते गाते उनके दरबारी मंत्री उनके साथ चल रहे थे। सम्राट अशोक ने सभी आमजन को खर्ची दे करके उनको आशीर्वाद दिया, सुख का, समृद्धि का, विकास का। और नगर निगम परिसर से प्रारंभ हुई है यात्रा चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, सोनी जी के नसिया होते सुभाष उद्यान में समाप्त हुई, जहां पर सम्राट अशोक ने आमजन को पट्टे बांटे और आमजन को अजमेर को सुख और समृद्धि और लगातार तरक्की करने का आशीर्वाद प्रदान किया। हम लोग आरएसएस ग्रुप में आए थे, आज महिलाओं ने फाग महोत्सव मनाया था, तो यहीं पर हमने देखा अभी बीरबल और बादशाह का मेला निकल रहा है। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं फर्स्ट बार आई हूँ, बट मुझे फर्स्ट बार आकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रियल होली। जैसे होली तो देखते हैं हम मोहल्ले वालों के साथ, देखते हैं घर वालों के साथ देखते हैं, पर यहाँ पर हमने पूरी सोसाइटी के साथ होली देखी है, तो हमें इसे होली में भी एकता में रहने का संदेश मिलता है। मेरा नाम लाजवंती है, मैं डिगी बाजार से। अच्छा लग रहा है, सब देख रहे, देखने आए इतनी दूर दूर से। क्या पहले भी देखा? हाँ, पहले पिछले साल देखा था, सेकंड बार आया। अच्छा लग रहा है? हाँ। प्रीति जैन देखने, मैं तो फर्स्ट टाइम आई, बहुत अच्छा लगा और बस देखने आया हम भी। रेखा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बादशाह की सवारी देख के काफी सालों से देखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत जोर शोर से मनाते हैं और सबको शामिल होना चाहिए शहर से निकल के। सीमा पारेश्वर, हम लोग बादशाह देखने आए और बहुत मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाल वगैरह आ रही है बढ़िया तरीके से, सबके ऊपर पड़ रही है, सबके ऊपर गिर रही है, सब लाल हो रहा है गुलाल में। सम्राट अशोक का आशीर्वाद मिल रहा है सबको। आपका नाम? रश्मि।